नाउ राइट साइड में जग फाउंटेन कृष्ण मूवी इधर शूट किया, गाड अल्लाह भगवान बोल के गाना सब इधर ही है। प्रियंका चोपड़ा हीरो, मुंबई स्ट्रीट बॉम्ब ब्लास्टिंग, ये ऋतिक रोशन का ब्लैक कलर स्टैचू लगा है इधर ही है, वो जग को निकाल के। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा स्टार्टिंग। सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू दिस व्लॉग जो कि सेकंड पार्ट है इसका। सो यहाँ पर ये जो गार्डन है ये पूरा राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है और फाउंटेन है। सो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, सो माय अपोलॉजीज, ये थोड़ा सा हिल रहा था, बट स्टिल आई एम डूइंग माय बेस्ट। सो ये मैंने पूरा फ़ोन से रिकॉर्ड ही किया अपने। सो यहाँ पर ये डांस चल रहा है राजस्थानी घूमर सॉन्ग का, पद्मावत मूवी का, तो ये मैंने रिकॉर्ड किया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। सो इसको मैंने बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशूज। सो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और पूरा आप देखते हो कि पूरा लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल है सारा का सारा। सो कोई सी भी शूटिंग वगैरह होती है तो इन लोकेशन पर ही होती है। इतना बड़ा है कि आप अगर पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे तो कम से कम आपको तीन चार वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे, वो भी अच्छे खासे लंबे। तो मैंने बहुत से पार्ट्स छोड़ दिए और कोशिश की इन शॉर्ट में आप लोगों को दिखाने की, एक झलक दिखाने की, ताकि अगर आप लोग कभी जाएँ तो आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके का। तो यहाँ से हम लोग देखने के बाद नीचे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एक जापानी गार्डन है वहाँ पर। सो ये बहुत ही प्यारा व्यू लगा है यहाँ से, तो हम लोग नीचे उतर रहे थे। काफ़ी हरियाली है यहाँ पर और मौसम भी उस टाइम ऐसे ही हो रहा था। सो ये पूरा व्यू वहाँ से ऐसे दिखाई देता है। सो गाइस यहाँ पर कुछ शोज़ भी होते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं जापानीज गार्डन में। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं, ऐसा है कि थोड़ी सी डिज़ाइन है वो जापानीज स्टाइल में है और थोड़ा म्यूज़िक भी उस स्टाइल का है, उसी टाइप का है, तो थोड़ी सी फीलिंग आती है वैसी कि आप थोड़ी सी अलग जगह पर हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और हम लोग देख रहे थे, संदीप बोल रहे थे कि क्या है यहाँ पर, कुछ भी तो नहीं, बस म्यूज़िक ऐसा लगा दिया, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है। हाँ लेकिन इसमें भी बहुत मेहनत लगती है और काफ़ी देख रहे हो आप इसको मेंटेन करने में इतना ज़्यादा, मतलब कि मेहनत और टाइम लगता है। तो ये व्यूज़ देखिए आप, बहुत ही प्यारा है और इतना बड़ा है रामोजी कि आपको पूरा, हम लोगों को पूरा एक दिन लग गया था सुबह से लेकर शाम तक। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो जितनी मैं कवर कर सकती थी वो मैंने दिखाई। तो ये है मोस्ट पॉपुलर सेट ऑफ बाहुबली। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टैचू और सेट्स दिख रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी हटा दी गई हैं, लाइक जब बाहुबली की शूटिंग हो रही थी तब काफ़ी बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए थे हीरो हीरोइंस के, और सेट भी थोड़ा सा मेंटेन था, लेकिन अभी काफ़ी कुछ चीज़ें हटा दी हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ अवशेष नहीं कहते वो हैं, तो वही दिख रहे थे और मैं देख रही थी यार ये वही चीज़ है। यहाँ पर सीन शूट हुआ था बाहुबली का, फाइटिंग सीन बाहुबली, और जो उसका जो विलेन है उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो ये यहाँ पर एक घोड़े हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर हमने फ़ोटो सेशन भी किया था, फ़ोटो भी ले रहे थे, तो यहीं पर फाइटिंग सीन हुआ था दोनों का। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, कुछ खास यहाँ से था नहीं, बस जाकर आप फ़ोटो खिंचवा लीजिए। और थोड़े से कटआउट्स बचे थे वो आधे अधूरे थे और बाकी रिमेन्स बचे हुए थे, उन्हीं को देखकर हम लोग खुश हो गए। तो ये सब था। तो यहाँ का मैंने स्पेशली किया ये जो ये देखिए आप, ये जो घोड़े देख रहे हैं फाइटिंग सीन शूट हुआ था वहाँ भल्लाल देव और बाहुबली का। और ये मैं आ गई हूँ अभी बर्ड्स गार्डन है। यहाँ पर एक पूरा जो एक सेपरेट एरिया है, यहाँ पर सारे तरह तरह के पक्षी हैं, झरना आपने अभी देखा था वो है, और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट था, यानी कि इतने सुरीले कलरव जो था पक्षियों का वो था। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि जितने भी जो पक्षी थे वो सारे के सारे पिंजरे में कैद थे, और किसी को भी अच्छा नहीं लगता खैर कैद रहना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उनको देख के। कुछ बिल्कुल शांत थे और कुछ शोर मचा रहे थे। तो ये देखिए आप बिल्कुल शांति से बैठे हैं, कुछ सो रहे हैं, दिन का टाइम था तो ऐसा लग रहा था हम लोग आकर उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक तरीके से हम लोगों की भी प्राइवेसी में अगर हम लोग आराम कर रहे हैं या कुछ अपने काम में बिजी हों, कोई हमें डिस्टर्ब करे तो हमें भी ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। और ये काफ़ी प्रजातियाँ ऐसी हैं जो कि आपको जनरली देखने को नहीं मिलेंगी या इंडिया में नहीं मिलेंगी, विदेशों में, और ये सारे के सारे पिंजरे में ही बंद थे सारे पक्षी। देखिए अफ्रीकन पैरट,
तो यहाँ पर कुछ तोते हैं, तरह तरह की प्रजातियाँ हैं तोते की। ये एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ जग के मस्ती कर रहे थे और कुछ सो रहे थे, तो मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये खेल रहा था अपने आप से, तो मैंने इसको रिकॉर्डिंग ले लिया अपने। तो और भी काफ़ी सारे लोग थे जो इनकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे और आवाज़ें सुन रहे थे। जब आप वहाँ जाएंगे और वहाँ सुनेंगे देखेंगे तो एक अलग सा ही आपको एक्सपीरियंस होगा यहाँ आने का, इतने सारे पक्षियों के। और मैं बीजी से बोल भी रही हूँ ये कितना प्यारा है, क्योंकि मुझे सारे ही बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। आपस में बातें कर रहे थे, कुछ खेल रहे थे, कुछ सो रहे थे, लेकिन एक चीज़ ये भी लग रही थी बार बार कि क्यों इनको कैद किया हुआ है, क्योंकि पक्षी तो सिर्फ खुले आसमान में उड़ने के लिए होते हैं, तो लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। सो ये नीले तोते हैं और आई थिंक इनकी स्पीसीज मुझे पता नहीं है, सबकी मेंशन की हुई थी लेकिन शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ एक का मैंने ध्यान दिया है और भी देखते जाएंगे आगे आगे। ये कुछ ब्लैक कलर के बर्ड्स हैं। बीवी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था सबको देख के, वो बातें भी कर रहा था। देखो वो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। मेरी गलत है, इनको बंद कर। तो मुझे नहीं पता था कि रामोजी में ये सब भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी है और बर्ड्स का, या इट्स लाइक अ बर्ड्स गार्डन है ये। एक तो पिंजरे में बंद है पक्षी और एक है पूरा कवर्ड है पूरा ग्रीन एरिया में, लेकिन उसमें खुले में उड़ सकते हैं, लेकिन उनकी भी एक पूरी सीमा है। तो ये देखिए ये है टुकान, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, मस्ती करना चाहिए। और ये भी एक कौन सी प्रजाति मुझे नहीं पता, बस मैं शूटिंग करने में बिजी थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। देखो मैंने क्या क्या देखा, तो ये सबसे बहुत मोस्ट वेलमिंग चीज़ थी इनको देखना, और बहुत पॉजिटिविटी मिलती है पक्षियों की आवाज़ सुनकर। ये एक एक पक्षी यहाँ पर सो रहा है, ये पता नहीं मुझे ये तोता तो नहीं है। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, तो अलग अलग तरीके के पक्षी दिख रहे हैं। ये कुछ कुछ कबूतरों की जाति है लेकिन थोड़े से उनसे अलग है। इनके सर पे जो प्यारी सी ब्लू कलर की कलंगी है ये बहुत ही सुंदर है और इनको और भी खूबसूरत बना रही है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये हम आ चुके हैं नेक्स्ट खुले हुए ग्रीन गार्डन में, जिसके बारे में मैं भी आपको बता रही थी। सो ये इस तरीके से है कि दोनों तरफ गार्डन बने हुए हैं पक्षियों के, होम जो घर है वो सजा रखे हैं, और बाकी ऊपर से और पूरी तरह से कवर्ड है, और बीच में लोगों के आने जाने के लिए और बैठने के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठी थी और पक्षी खूब खुले में उड़ रहे थे। ये इस तरीके के गार्डन अच्छे हैं और पक्षियों को भी ऐसा नहीं रहता कि बड़े पिंजरे में कैद है, तो इस तरीके से ठीक है, वो सेफ भी रहते हैं और उनको थोड़ा उड़ने के लिए स्पेस भी मिलता है। तो यहाँ मैं बैठी हुई थी, यहाँ मुझे लव बर्ड्स दिख रहे थे। आई थिंक ये लव बर्ड्स ही, आई डोंट नो, ये ऑस्ट्रिया पीछे लिखा हुआ है कुछ, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं ये। तो मुझे यहाँ पर बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा था, पूरे पक्षियों का जो संगीत बोलूँगी मैं ना, जो कानों में बिल्कुल घुलने वाला है, वो इतना अच्छा लग रहा था। बड़ी सारी थकान दूर हो गई, भी थोड़ा थोड़ा डर रहा था, अच्छा लग रहा है इनके बीच में, अच्छा लग रहा है ना। हेलो चूचू, तो सुनो उनके बारे में। सो गाइस ये था मैंने जो रिकॉर्ड किया था आप लोगों के साथ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कभी जाएं तो ज़रूर एक बार घूमिएगा रामोजी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। सो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मुझे बाय, टेक केयर, अलविदा।